बट सदगुरु कबीर वाज द लीडर ऑफ सोल, लेकिन साहेब कबीर ने इस आत्मा का वो कालत किया है जो तीनों काल का दृष्टा है, जो तीनों काल में सत्य है, जिसमें तीनों काल में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। यही आत्मा, यही आत्मा पर सृष्टि टिकी है। पूरे पूरे विश्व की जनसंख्या 7.5 अरब या 8 अरब है, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई औरत मर्द मिला के अब पूरे पूरे सृष्टि में जितने मानव हैं सबके काया से ये आत्मा निकल जाए तो परमात्मा यहाँ बकरी चराएगा कि भेड़ी, क्या करेगा? परमात्मा गाय चराएगा, रेलगाड़ी चलाएगा? बोलिए बोलिए, जिस परमात्मा के फेर में है वो परमात्मा रेलगाड़ी हाँक देगा, वो परमात्मा चावल गेहूं भेज देगा, वो परमात्मा इंदिरावास भेज देगा, वो परमात्मा कोर्ट में बैठ के न्याय करेगा, वो परमात्मा हॉस्पिटल में बैठ के इलाज करेगा, वो परमात्मा विद्यालय में बैठ के लड़का सबको पढ़ाएगा। अरे पॉजिटिव डिग्री, कंपरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, डिग्रियां तीन होती है और पोजीशन तीन है, गुड बेटर बेस्ट। गुड माने अच्छा, बेटर माने उससे अच्छा, और बेस्ट माने सबसे अच्छा। आप मांस मछली तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट सब खा रहे थे और इसी तरह सत्संग चल रहा था, संत जी बोल रहे थे, ए दुनिया के लोग मांस खाना मछली खाना तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट ये पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अध्यात्म के विरुद्ध है, नहीं खाना चाहिए। आपने खाना छोड़ दिया, नफा हुआ कि नुकसान हुआ? नफा हुआ। जब खाना आपने छोड़ दिया तो आपको डिग्री मिल गई, अब आप हो गए पॉजिटिव डिग्री एंड गुड, और प्राणी से अच्छे हो। अब आप हो गए, पहले थे पापात्मा, अब आप हो गए जीवात्मा, खाना छोड़ दिया। और जीवात्मा है, गए सदगुरु के शरण में, कंठी माला लिया, दीक्षा लिया, चोरी दलाली बेईमानी हत्या बलात्कार सब छोड़ दिया, और आपको फायदा हो गया, डिग्री आपकी और बढ़ गई। अब आप हो गए कंपरेटिव डिग्री एंड बेटर, उससे भी अच्छा, अब आप हो गए महात्मा। थे पापात्मा, सुधार किए तो जीवात्मा, उसमें सुधार किए तो हो गए महात्मा, और महात्मा बनने के बाद निर्वैर, दुनिया से बैर करना बंद कर दिया तो निर्भय, निष्काम, निर्लोभ, निर्मोह, मन और मन की कल्पना, बुद्धि और बुद्धि की तर्कना, इंद्रिय और इंद्रिय की भोग वासना, चीत और चीत की चंचलता से जब आप ऊपर उठ गए, जब सारी आसक्तियां मिट गई, सारे पाप कर्म कट गए, तो आपकी डिग्री बढ़ेगी और आप बनेंगे सुपरलेटिव डिग्री एंड बेस्ट, आप ही बनेंगे परमात्मा। परमात्मा होता नहीं है, परमात्मा हो जाता है। परमात्मा पाने की वस्तु नहीं है, परमात्मा समझने की वस्तु है। कलेक्टर की डिग्री उतरती है विद्यार्थी पर, कोई घसवाहा चरवाहा पर कलेक्टर कमिश्नर की डिग्री और आईजी डीआईजी की डिग्री, एसपी आईपीएस के डिग्री, कोई घसवाहा चरवाहा हरवाहा पर नहीं उतरता, वो विद्यार्थी पर उतरता। आईएएस आईपीएस की डिग्री उतरती है विद्यार्थी पर, और परमात्मा की डिग्री उतरती है आत्मा पर। यही आत्मा आज पापात्मा है, यही आत्मा आज दुष्ट आत्मा है, यही आत्मा आज धर्मात्मा है, यही आत्मा आज महात्मा है, और यही आत्मा जब सब पाप कर्म कटेंगे तो यही आत्मा परमात्मा है। लेकिन लोग जहां ज्ञान नहीं है वो परमात्मा के खोज में लगे, परमात्मा की डिबिया बार के लोग खोज रहा है, किसको किसको मिला जरा हाथ उठाइए तो, परमात्मा किनको किनको मिला आज तक, कहीं मिला है? रोजगारे झूठ है तो पूंजी बचेगा कहां से? झूठा रोजगार कीजिएगा तो पूंजी बचेगा। साहब कबीर कहते हैं नरको नहीं प्रतीत हमारी, कि हमारे ऊपर किसी का भरोसा नहीं, मेरे ऊपर किसी का विश्वास नहीं, मेरे ऊपर किसी का प्रतीत नहीं, झूठा बनिज कियो झूठे संग, पूंजी समन मिलिहारी।
सब लोग झूठा रोजगार ठेका है कहां, झूठा पंडित जी के साथ। और एको दिन निम्मन बात पंडित जी वाजिब बात नहीं बताए, सब दिन गड़बड़े है इनका। और उसके साथ रोजगार है तो रोजगार में पूंजी बचेगा कि डूबेगा, रोजगार में पूंजियों ऊपर होगा झूठा रोजगार में। माय बाप मर गए तो पंडित जी कहलन जे माय के सूतेला पलंग दान करियो, ये सच्चा रोजगार है, ये झूठा रोजगार है, केवल झूठा रोजगार है।